गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको सटायर, जो एक फिगर ऑफ स्पीच आप कह सकते हो, एक लिटरेरी डिवाइस होता है सटायर, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है आयरनी इन सटायर, क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इन मोस्ट केसेस जब भी सटायर यूज होता है तो आयरनी उसके साथ ऑटोमेटिकली यूज होता है। हाँ, हर केस में नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो मैंने यहाँ पे आयरनी इन सटायर लिखा है, बट बेसिकली व्हाट वी आर डीलिंग इन दिस video is the topic satire, okay? So what is a satire? Satire एक ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ literature में use होती है। वो एक video भी हो सकता है, वो एक cartoon भी हो सकता है। तो अगर आपको एक satire as such a word कि क्या है वो समझना है, तो एक आज तक का so sorry करके एक वो लोग वीडियो बनाते हैं, वो न्यूज में भी आता, आज तक के चैनल पे भी आता और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप वो देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो उसमें वो बहुत ही ह्यूमरस वे में वो शो करते हैं कोई पॉलिटिकल सिचुएशन को, कोई इवेंट को, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान है उसके भी अराउंड जो सिचुएशन हो रहे हैं उसको भी। तो एक्चुअली वो ह्यूमरस वे में उन चीजों को शो करते हैं जो उनको लगता है कि गलत हो रही है, एंड द थिंग्स दैट शुड बी करेक्टेड। या फिर कुछ कार्टून्स होते हैं जो कि सटायरिकल होते हैं, खासकर आर के लक्ष्मण जो कार्टून्स बनाते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश होता था, प्लस उनका एक कॉमन मैन का भी कार्टून था। तो वो कार्टून्स जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर सटायर होते हैं, सटायरिकल पीसेस होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सटायर्स होते हैं वो सिर्फ लिटररी डिवाइसेस नहीं है, वो वीडियोस, कार्टून्स हर जगह यूज होते हैं। बट हाँ, सटायर का फंक्शन हर जगह सेम होता है, और वो ये है कि जो भी उसको लिख रहा है, कोई लिटररी पीस है तो जो उसको उसका राइटर है, ऑथर है, या फिर कोई अगर वीडियो बना रहा है तो वो चीज, या फिर कोई कार्टून बना तो कार्टूनिस्ट, सबका जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो सिर्फ एक रहता है कि वो जिस भी पर्सन, जिस भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर सटायर कर रहे हैं, दे वॉन्ट दैट दोज थिंग्स टू बी करेक्टेड, और वो पब्लिक का अटेंशन उन बुराइयों की तरफ, उन सोशल इविल्स की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। So when we are dealing in literature, हम उसको डील करेंगे as a literary device, as a literary weapon. तो satire is a literary weapon directed against persons or institutions that the author believes should be corrected. तो satire क्या है? वो एक ऐसा हथियार है, वो एक ऐसा weapon है जो कि writers के पास होता है, literature से related लोगों के पास होता है। और वो वेपन किसके तरफ डायरेक्टेड होता है? तो वैसे पर्सन्स या इंस्टीट्यूशंस के तरफ जिसको कि ऑथर बिलीव करते हैं कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, एंड दे शुड बी करेक्टेड। अब क्या है कि जो ऑथर है, या फिर जो वीडियोस बना रहा है, या फिर जो कार्टूनिस्ट है, वो डायरेक्टली इस बात को नहीं कहता, वो उसको एक ह्यूमरस एक टच देता है, एक विटी टच देता है, जिसकी वजह से जो हम लोग कॉमन पब्लिक है वो उसको देखे तो हम उससे बोर्ड नहीं हो, उसको इंजॉय करे, और जो मोटिव है उस सटायरिकल पीस को बनाने का, उस मोटिव को भी समझे और हम उससे इंजॉय करें, उसे समझे भी, और एट द सेम टाइम हम बोर ना भी हो। प्लस जिस इंसान के ऊपर, जिस इंस्टीट्यूट के ऊपर वो सटायर बना है, वो इंस्टीट्यूट भी ऑफेंसिव फील ना करे, उसको ह्यूमरस वे में हैंडल कर ले। सो द राइटर ऑफन डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन, but makes indirect parallels and a reference to the things we know, so that we realize what it is that the writer is criticizing. Actually, क्या है कि बहुत जगह ऐसे होता है कि writer जो है वो directly जो institute, जो person को वो criticize करना चाहते हैं, उसका directly वो नाम use नहीं करते, directly उस situation को नहीं वो लिखते हैं, बल्कि suppose एक situation है तो उससे रिलेटेड वो कैरेक्टर्स निकाल लेते हैं, और उनका जो लिटररी पीस होता है, जो राइटिंग होता है, उसमें वो उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स यूज करते हैं, उससे रिलेटेड सिचुएशंस को यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी पब्लिक है, जिसको पढ़ रही है, वो समझती रहती है कि एक्चुअली जो ये लिटरेचर का पीस है, ये जो राइटिंग है, ये क्या मीन कर रहा है, ये किस चीज को पॉइंट आउट करना चाह रहा है। तो डायरेक्टली नहीं, तो इनडायरेक्ट पैरेलल्स ड्रॉ करके वो उन चीजों को, उन सिचुएशंस को जो वो पसंद नहीं कर रहे हैं, उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो क्रिटिसाइज्ड हो रहा है वो भी ऑफेंसिव फील नहीं करता, उसको भी एक सॉर्ट ऑफ, वो भी हंसी में बात चली जाती है। सटायर में भी ह्यूमरस एंड विटी, वही चीजें, सटायर ह्यूमरस हो सकता है, विटी हो सकता है, मीन्स कि उसमें बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड से
चीजों को भी दिखलाया जा रहा है, प्रॉब्लम्स को भी शो किया जा रहा है, प्लस उसको एक ह्यूमरस टच दिया जा रहा है। ह्यूमर क्या करता है सैटायर में, जो हम ह्यूमर को यूज करते हैं, एक हंसी का कंटेंट डालते हैं, वो क्या करता है, तो वो एक शुगर कोटिंग है जो कि क्रिटिसिज्म को इजियर करता है टू टेक। मतलब जो इंस्टीट्यूट, जो पर्सन की राइटर चाहता है कि वो खुद को करेक्ट करे, तो अगर हम डायरेक्टली कह देंगे लाइक यू हैव डन अ रॉन्ग थिंग, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, आपका तरीका सही नहीं, तो शायद उस आदमी को बुरा लग जाए। लेकिन वो जो ह्यूमरस वे में इस चीज को कहा जाता है, तो जो जिसपे जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम राइटर जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो इस बात को बहुत इजिली ले लेता है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि सटायर क्या करता है, ह्यूमर एक कोई कड़वी चीज है, एक बुरी बात है, किसी के खिलाफ एक क्रिटिसिज्म है, उस पर से ह्यूमर क्या करता है, एक शुगर कोटिंग डाल देता है। मतलब कोई कड़वी दवाई हो और उस पर से आप चीनी लपेट दे, तो जो जो एक सेंस आएगा, ठीक उसी तरह से ह्यूमर काम करता है। तो सटायर में क्या होता है, ह्यूमर भी होता है और क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म को हम ह्यूमर के शुगर कोटिंग से लपेट देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिटिसिज्म समझ भी आए, जो गलती है वो समझ भी आए, प्लस वो ऑफेंसिव भी फील ना हो। अ राइटर ऑफ सटायर यूजेस लाफ्टर अगेंस्ट द सिचुएशन, अ पर्टिकुलर पर्सन और अ टाइप ऑफ पर्सन विद द एम ऑफ करेक्टिंग एन अनडिजायरेबल सिचुएशन और ह्यूमन फॉली और सेविंग पीपल फ्रॉम कमिटिंग फॉलीज। तो जो जो राइटर है सटायर का, मतलब जो सटायरिकल पीसेस लिखता है, वो लाफ्टर को यूज करता है, ह्यूमर को यूज करता है, कैसे सिचुएशंस, कैसे पर्सन्स को बताने के लिए, तो वैसे सिचुएशंस, वैसे पर्सन को बताने के लिए जो समझता है राइटर कि ये गलत कर रहे हैं। हमेशा कभी कभी हमेशा पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं होता, बल्कि कुछ टाइप ऑफ पर्सन को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो हर सिचुएशन में एक जजमेंट दे देते हैं, तो सपोज राइटर फील करता है कि ऐसे ऐसे जजमेंट देने वाले जो एक हैबिट है वो गलत है, तो ह्यूमरस वे में जो राइटर है वो इसको दिखलाएगा एक सटायरिकल पीस के थ्रू, एक सटायरिकल पीस ऑफ राइटिंग के थ्रू इस चीज को शो करेगा, ताकि ये एक ह्यूमन फॉली है, एक ह्यूमन की गलती है ऐसा जजमेंटल होना। तो जो भी आदमी अगर ऐसा है जो चीजों को बहुत, मतलब अपने ही चश्मे से हर चीज को देखता है, तो वो क्या है, वो उस चीज को फील करेगा, और चूंकि वो लाफ्टर का सेंस है तो उसको बहुत खराब भी नहीं लगेगा, वो इंजॉय भी करेगा और अपनी गलती को समझ भी जाएगा। तो उस राइटर का जो सटायरिकल पीस लिखता है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता, उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है या इंस्टीट्यूट है जो गलती कर रही है, उसको उस गलती करने से रोकना, और यू जो जनरल पब्लिक भी है वो भी अगर ऐसी अगर उसको वो उस चीज को फॉलो कर रही है, तो वो समझे कि ये गलत है, उसके खिलाफ विरोध करे और खुद उस गलती को ना करे। तो चूंकि हम इसको लिटरेचर में पढ़ रहे हैं, तो कुछ लिटररी एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्चुअली एक जोनाथन स्विफ्ट की मॉडेस्ट प्रपोजल एक पीस ऑफ राइटिंग है, उसमें जितने बेस्ट से सटायरिकल, जितने बेस्ट अच्छे तरीके से आप सटायर को समझेंगे, वो जितना अच्छा सटायरिकल पीस है शायद ही कोई दूसरा हो। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सटायर जो कि मैंने लिटरेचर से लिया है। फर्स्ट है, जोनाथन स्विफ्ट ने एक सटायरिकल एस्से लिखा था जिसका नाम था मॉडेस्ट प्रपोजल। ये एस्से उन्होंने लिखा था 1729 में। तो कोई भी लिटरेरी पीस को पढ़ने के पहले ये जरूरी होता है जानना कि उस समय क्या सिचुएशन था जिसमें कि जो भी राइटर है, ऑथर है, उन्होंने अपना कोई पीस ऑफ वर्क लिखा था। तो जोनाथन स्विफ्ट ने जब मॉडेस्ट प्रपोजल लिखा था, उस वक्त आयरलैंड की हालत बहुत खराब थी। आयरलैंड जो था उसको रूल कर रहा था ब्रिटिशर्स, मतलब वो इंग्लैंड की कॉलोनी थी, और आयरिश लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी, वो बहुत ज्यादा पुअर थे। तो इस चीज को हाईलाइट करने के लिए, उनके लाचारी को हाईलाइट करने के लिए, पॉवर्टी को हाईलाइट करने के लिए, जो ये जोनाथन स्विफ्ट थे, इन्होंने यूज किया था हाइपरबोल। हाइपरबोल कहते किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहने का। तो ये जो ऐसे था मॉडेस्ट प्रपोजल, उसमें उन्होंने बोला था कि किस कि इतनी खराब हालत हो गई आयरिश के लोगों की, कि वो लोग जो गरीब लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं उन अमीर अंग्रेजों के हाथों, और वो अंग्रेज इतने निर्दयी हैं, इतने हार्टलेस हैं, कि वो उन बच्चों को खरीद के और उसके बहुत डिशेस बना के खाते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं था, होता सिर्फ ये था
कि बहुत खराब कंडीशन थे और उन लोगों को सच में खाने के लिए भी, गरीबों को, आयरिश लोगों को, उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन था, उनको खाने के लिए भी प्रॉब्लम होते थे। तो इस बात को, इस प्रॉब्लम को उन्होंने हाईलाइट करने के लिए अपने एसे में इस तरह के हाइपरबोल को यूज किया, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा है। तो उस एसे का मैं यहाँ पे कुछ लाइंस आपको मैं लिख के बतला रही हूँ। आई हैव बीन अश्योर्ड बाई अ वेरी नोइंग अमेरिकन ऑफ माई एक्वेंटेंस इन लंडन, द यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स्ड इज एट अ ईयर ओल्ड अ मोस्ट डिलिशियस नरिशिंग and wholesome food, whether stewed, roasted, baked or boiled, and I make no doubt that it will serve in Africa say. Actually, in lines में जो जोनाथन स्विफ्ट वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता चला है, एक जानकार अमेरिकन जो मेरे acquaintance से, मेरे जान पहचान के हैं, वो लंदन में रहते हैं और उन्होंने मुझे बतलाया है कि अगर एक यंग हेल्दी चाइल्ड हो जो कि एक साल का हो, तो उसका जो हम एक मीट बनाएंगे, फ्रिकाशी एक डिश का नाम है जो कि मीट से बनता है, फ्रिकाशी बनाएंगे या फिर उसको किसी भी तरीके से पकाएंगे, स्ट्यू करे, रोस्ट करे, बेक करे या बॉईल करे, उसके जो पक के जो बनेगा डिश वो बहुत ही टेस्टी होगा। तो इन लाइंस के थ्रू जो स्विफ्ट है, जोनाथन स्विफ्ट है, वो बतला रहे कि कितने निर्दयी लोग थे वो, जो इन बच्चों को खरीद के खाते होंगे वो कितने निर्दयी होंगे। तो बेसिकली वो उन अंग्रेजों के बारे में बोल रहे हैं जो कि आयरिश पीपल को रूल करते थे और उनकी गरीबी पे, उनकी लाचारी पे उनका थोड़ा भी ध्यान नहीं जा रहा था। तो इस चीज को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने इसी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा है अपने इस एसे। नाउ सेकंड एग्जांपल जो मैंने डाला है सटायर का, वो है जॉर्ज ऑरवेल। उन्होंने एक नॉवेला लिखा, मतलब शॉर्ट नॉवेल है, जिसका नाम था एनिमल फार्म। एनिमल फार्म इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ एलेगरी। एलेगरी भी एक तरह का आप कह सकते हो लिटररी डिवाइस है। तो वो एलेगरी का मैंने अलग वीडियो बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और ये जो एनिमल फार्म है, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था सटायर जब मैं समझा रही थी कि कभी कभी जो राइटर है वो पैरेलल्स ड्रॉ करता है, तो इसमें क्या है, जो एनिमल फार्म है उसकी तुलना की गई है, उसके वो यूज हुआ है इन कंपैरिजन टू रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब रशियन रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स थे उसको समझाने के लिए राइटर ने इस एनिमल फार्म, एक उनका एक क्रिएशन था, उनकी जो उन्होंने नॉवेल लिखा था उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे एनिमल्स के, और एनिमल फार्म का जो ओनर था वो फार्मर था, और जो जॉर्ज ऑरवेल ने वो फार्मर का कैरेक्टर किसको दिया था, तो उस टाइम रशियन रिवॉल्यूशन जिसके खिलाफ हुआ था, जार के खिलाफ, वो एक बहुत ही अत्याचारी था तो उसके खिलाफ रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। उसी तरह से इस एनिमल फार्म का ओनर रहता है फार्मर और सारे जानवर उससे बहुत परेशान रहते हैं, तो इस वजह से उस फार्मर को हटाने के लिए वो लोग एक, उन्हीं में से एक रहता है पिग, सुअर जो रहता है, एक कैरेक्टर है उसी एनिमल फार्म का, तो उसका नाम रहता है नेपोलियन। तो उस फार्मर से निजात पाने के लिए सारे उस एनिमल फार्म के जो जानवर रहते हैं वो मिलके अपना हेड चुनते पिग नेपोलियन, जो कि वो चाहते हैं कि उनको आजादी दिला सके फार्मर से। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो जो पिग जब फार्मर से उन लोगों को आजादी दिला देता है और वो उस एनिमल फार्म का राजा बन जाता है, तो वो भी धीरे धीरे आदमी की तरह ही बहुत ही क्रूअल होने लगता है, जो बाकी एनिमल्स थे उनपे भेदभाव करने लगता है। तो एक्चुअली जो जॉर्ज ऑरवेल है, जो नॉवेलिस्ट है, वो ये बतलाना चाहते थे इस नॉवेल के थ्रू कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ जार को हटाने के लिए, और उसको हटा करके स्टालिन ने एज लीडर उस कंट्री को अपने हाथ में लिया, मगर एक्चुअली क्या हुआ कि स्टालिन जो था वो भी जार के जैसा ही होते जा हो गया और उसी की तरह क्रूएल हो गया, उसी की तरह अत्याचारी हो गया, और वैसे ही वो भी डिस्क्रिमिनेशन करने लगा। तो एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है एनिमल फार्म से लेकर के, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो एक्चुअली ये लाइन देखिए आपको बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा कि जो नॉवेलिस्ट है वो कह रहे हैं कि सारे जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर औरों से ज्यादा बराबर हैं। मतलब बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस हो रहा, कुछ जानवर को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, कुछ जानवर को उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वो ना लिख करके इन्होंने एक डिफरेंट टोन यूज किया है कि हाँ कुछ सारे जानवर बराबर है लेकिन कुछ जानवर ज्यादा बराबर है। तो इसी सारे पीसेस को आयरोनिकल पीसेस हो सकती है, सटायर हो सकते हैं। तो चूंकि ये उस
रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो आया था स्टालिन, उसके अत्याचार को बतलाने के लिए उन्होंने ये पीस लिखा था. सो इट इज अ सटायर ऑन अ सिस्टम, ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. तो ये सटायरिकल पीस भी है या एलेगोरिकल पीस भी है. सो गाइज, होप एग्जाम्पल्स के थ्रू और इसके पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखा था उससे आपको सटायर पूरा क्लियर हो गया हो. स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, एंड बिफोर यू साइन ऑफ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.